हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज जगदीश पटेल, करंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एचपीटी मेडिकल कॉलेज मुंबई। इससे पहले भी के वीडियो में मैंने कट ऑफ के बारे में बात की थी कि कॉलेज का लास्ट कट ऑफ क्या रहा था इस बार एमबीबीएस सीट का। अब सीट के अलावा, कट ऑफ के अलावा जो मेन फैक्टर होता है कॉलेज डिसाइड करने के लिए, वो होता है उस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर। तो एचपीटी मेडिकल कॉलेज का फी स्ट्रक्चर क्या है वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस, ये है एचपीटी मेडिकल कॉलेज का फी स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट ईयर में हम फी पे करते हैं वो डीडी के फॉर्म में फी पे की जाती है। डीडी एक्चुअली होता क्या, एक प्रिंटेड चेक होता है जो हमें बैंक से लेना पड़ता है। ठीक है, हम चेक या फिर ऑनलाइन फर्स्ट ईयर की फी नहीं पे कर सकते। मेजॉरिटी कॉलेज में यही रहता है कि फर्स्ट ईयर की फी डीडी के फॉर्म में पे की जाती है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें तीन सेक्शन दिए हुए हैं। सबसे ऊपर कैटेगरी लिखी हुई है, जिसमें एक ओपन कैटेगरी है, सेकंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और थर्ड रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में जितनी भी रिजर्व कैटेगरी बोले तो ओबीसी हो गया, एससी एसटी, NT1 NT2 NT3 VJ, जितनी भी महाराष्ट्र की रिजर्व कैटेगरी है वो सारी आ गई। ठीक है, तो इसमें अपने को तीन को रो दिए गए, जिसमें ए में जो फी दी गई है वो है कॉलेज फीस। ठीक है, कॉलेज की जो मेन फीस रहती है वो वही रहती है। इसमें ओपन कैटेगरी वालों को भरनी है 1,23,200, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को भरनी है 66,050 और रिजर्व कैटेगरी वालों को ये फ़ी भरनी है 8,900। ठीक है, वही एक डीडी, हमें दो डीडी और बनानी रहती है कॉलेज फ़ी के साथ। जो एक्स्ट्रा फीस रहती है, जैसे कि जिम खाना MUSH फीस रहती है, उसकी डीडी सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो ओपन कैटेगरी हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी हो, चाहे EWS कैटेगरी हो, सभी कैटेगरी वालों को 5,770 रुपीज़ की एक डीडी ये बनानी है और 4,000 रुपीज़ की डीडी बनानी है जिसको कॉलेज डिपॉजिट के फॉर्म में अपने को जमा करनी है। ठीक है, तीनों अपने को डीडी एडमिशन के टाइम पे जमा करनी है। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ओपन कैटेगरी में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं रहता, बट उनकी जो इनकम रहती है 8 लाख से बिलो रहती है। ठीक है, उनके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं रहता है ड्यू टू सम रीज़न, हो सकता है वो 70 ईयर से महाराष्ट्र में ना रह रहे हो तो उनके पास EWS सर्टिफिकेट ना होगा। बट अगर उनकी इनकम 8 लाख से बिलो है और उनके पास इनकम सर्टिफिकेट है 8 लाख से बिलो, तो वो कॉलेज में जाके जो भी एडमिशन के टाइम पे प्रेजेंट रहता है उनको ये बोल सकते हैं कि मेरी इनकम 8 लाख से बिलो है, मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट है और मैं EWS की फ़ी भरना चाहता हूँ। जिनकी इनकम 8 लाख से बिलो है उनकी फ़ीस जो EWS की फ़ीस है वही लगती है। किसी किसी कॉलेज में ऐसा रहता है कि हमें पूरी फ़ी पे करनी पड़ती है, उसके बाद 50% जो है हमें स्कॉलरशिप आती है, और किसी किसी कॉलेज में ये रहता है कि हमें स्टार्टिंग में ही हाफ फ़ी पे करनी पड़ती है और हमें स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करके उनके पास सबमिट करना पड़ता है। ठीक है गाइस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ ऐसे ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट जिनके पास, जिनकी इनकम तो 8 लाख से बिलो है पर उनके पास EWS सर्टिफिकेट ना होने के कारण उन्हें पूरा फ़ी भरना पड़ता है, वो पहले अपने कॉलेज में जाके ये पूछ सकते हैं, जो भी कॉलेज आपको अलर्ट हो कि मेरे ऐसे ऐसी कंडीशन है और क्या मैं हाफ फ़ी भर सकता हूँ। अगर कॉलेज वाले बोले यस, तो ठीक है, आप हाफ फ़ी भी भर सकते हो। और उनको आप ये भी बोल सकते हो कि MSCT के ब्रोकर में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और कहाँ लिखा हुआ है उसके लिए मैं अगर जब आने वाले वीडियो में एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जिनकी इनकम 8 लाख से बिलो है उनको फ़ी स्ट्रक्चर कैसे करना है। ठीक है गाइस, तो ये तो होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें फ़ी भरनी पड़ती है। उसके बाद हॉस्टल की फ़ीस और कुछ वगैरह एक्स्ट्रा फीस भी रखती है, जैसा कि वेट गाइस, मैं एक चीज़ और भूल रहा हूँ, जो ऑल इंडिया के स्टूडेंट रहते हैं वो चाहे कौन से भी कैटेगरी से बिलोंग करो, ओपन SC SC कोई भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करो, ऑल इंडिया से जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए जो ओपन कैटेगरी की फ़ीस है वही लगेगी, चाहे उनकी कैटेगरी कोई भी हो। ये सारी अलग अलग फ़ीस महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज, ऑल इंडिया के सारे स्टूडेंट के लिए सेम फ़ीस है, जो ओपन कैटेगरी की रहती है वही उनकी ओरिजिनल फ़ीस रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें ऊपर पहले से लिखा हुआ है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें हॉस्टल की जो फीस लगती है उसके बारे में डिटेल दी गई है। तो हॉस्टल के लिए हमें डिपॉजिट देनी पड़ती है, तो जाती है 3,000 की डीडी, उसमें भी डीडी से ही पेमेंट लिया जाता है। उसके बाद फर्स्ट 6 मंथ की जो फ़ी है वो 2,120 रुपीज़ है।
ठीक है। उसके बाद एक हमें बॉन्ड भरना पड़ता है। अब बॉन्ड अलग अलग कॉलेज में अलग अलग रूल होते हैं, बॉन्ड के बारे में मैं डिटेल वीडियो बाद में अपलोड करूँगा, ठीक है गाइस। तो ये है हमारे कॉलेज की, HPT मेडिकल कॉलेज का फी स्ट्रक्चर। तो कट ऑफ के बाद जो मेन फैक्टर रहता है वो रहता है फी स्ट्रक्चर कॉलेज डिसाइड करने के लिए। तो ये ओरिजिनल फी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वेबसाइट पे अभी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तब वेबसाइट पे रहता है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें वहाँ से डिलीट कर दी जाती है। इसलिए आप ये देख सकते हैं और अपना कॉलेज चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।